Good morning, everyone. Today, we are going to study EVS part 1 of standard 4th. Let me study with the chapter number 8, the value of food. Dear children, as you know, the previous chapter number 7, we have studied the food we eat. Okay, uh, we have seen the importance of food. The food is very, very important for us, not only for us. Uh, for other living beings also, so other living things also like plants and animals also even they need a food. Yes, the food is very essential for us, which we require the energy to do work, to play, to do some other task also. So here in this chapter we are going to see the chapter number eight, the value of food. You know how much value we are giving for the food. The so where this food is get obtained? Where does this come from? And how much value we give? Are we wasting the food?

ऐसे कई सारे डिशेस बनाती है जो बाकरी से जो बनता है ओके मदर मेक्स ए नंबर ऑफ अदर डिशेस फॉर देम टू ईट विद द बाकरी इवन दे लाइक ऑल दोस्तो टू ऑल्सो इवन वर्शन दिस वन अर्जुन दे लाइक अदर डिश वॉट दे मदर मेक्स सो कैन यू टेल वॉट कुड बी दोज डिशेज दैट मदर मेक्स टू गो विद द बाकरी uh, आपको आपको पता है कि ऐसा कौन सा डिश है जो बाकरी से जो Uh, और तरह तरह के जो वेराइटीज ऑफ डिश बनते हैं वो कैसे और कहाँ से आता है वट आर दोज डिशेज मेड फ्रॉम इन वर्षा एंड अर्जुन सो दे यूज़ ए लॉट ऑफ अदर फूड स्टफ ऑल्सो बाकी के फूड स्टफ्स भी उसकी उनकी मम्मी देर देर मदर दे यूज टू डू एंड वेर आर दे ऑप्टेन कहाँ कहाँ से वो आती है और कैसे बनते है? जैसे कि व्हीट राइस जवर पल्स शुगर केन करवंदस जामुन Fish and salt, fresh water fish, fruits and vegetables, meats and egg. so all these things. See the pictures are given here. So all this, uh, all these things are obtained from the uh, different places. Yes, fish you will get from the rivers and lakes. Yes, karvanda jamun will get from the plants. Sugarcane will get, uh, will uh, sugar cane will get the sugar cane field only. Okay, from, uh, salt water fish will get in the rivers and all. Of the uh, fruits and uh, vegetables you will get from the shops, uh, fruits and vegetables, different uh, seed trees. Uh, see see this. Uh, fish, how these uh, fishermen take the fish from the oceans and the seas and all. Hens will get, uh, hens and uh, eggs uh, will get from the poultry farms and all. See, in this way, all this food will get from the different uh, places. Okay. So, often when serving the worship एंड अर्जुन स्मिल है ना जब वो वर्षा और अर्जुन जब खाने में जो बैठते हैं और उसकी मम्मी परोसती है द यू आर हर मदर्स वॉट द मदर्स सर्विंग द मिल द मदर से ऑलवेज टेक ओनली एज मच एज यू वॉन्ट है ना तो तुम्हें खाना उतना ही लो जितना तुम्हें ज़रूरत है पर खाना को वेस्ट मत करो फूड शुड नॉट बी वेस्टेड बट वन डे अर्जुन आस्ट हर मदर एक दिन अर्जुन ने अपने माँ मा को पूछा कि वाई वाई डू यू वाई डू यू टेल दिस टू दिस एवरी डे क्यों आप ये रोज़ हमेशा बोलते हो टेक एज मच यू फूड यू वॉन्ट डोंट वेस्ट योर फूड देन मदर आंसर्स आंसर दैट वाई शुड वी वेस्ट एनी गुड थिंग हमें क्यों एक अच्छा चीज़ को वेस्ट करना बहुत वेस्ट uh, करना है बिसाइड वी मस्ट गिव थॉट इसके बदले हमें यह सोचना चाहिए हाउ वी गेट द फूड वीट हम जो कहाँ रहे हैं वो कहाँ से मिल रहा है और कैसे मिलती है लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ ए बा मैं मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ द स्टोरी ऑफ ए बाकरी यू नो दादा दादा कौन है उनकी माँ के पिताजी ओके दादाजी ग्रैंड फादर सो यो हर मदर यूज टू टेल द स्टोरी ऑफ अर दर्ली एविन शी वॉज सो स्मॉल वॉट हैपन डूरिंग दैट डे माई फादर इज़ ए फार्मर वो क्या कहते हैं क्योंकि उनके पिताजी एक एक खेती करते खेती बाड़ी करते थे फार्मर है एंड यू नो द स्कूल है वेकेशन द समर वेकेशन डूरिंग द समर वेकेशन यूज़ टू गो द नेटिव प्लेस और उसका दादाजी के कहती पे जाती थी एंड शी यूज़ टू सिट इन द ट्रैक्टर राइड करती थी है ना और दादाजी क्या करते थे द फादर विल अटैच द डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स है ना अलग अलग डिफरेंट डिट ट्रैक्टर पर डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स अटैच करते थे uh, हर डिफरेंट uh, डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स अटैच करते थे ट्रैक्टर uh, पर

अपने हाथों से करते थे दे यूज़ टू प्लो द लैंड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन है ना बैल को घाय बैल को खेती में लेके जाते थे ये सब करने में यस बुल्स एंड ऑक्सन दे यूज टू टेक द इन द एग्रीकल्चर फॉर फार्म वर्क पर अभी तो किससे यूज़ करते मशीनरीज ट्रैक्टर से यूज़ करते व्हेनेवर द प्री मानसून शॉवर है ना जब भी गर्मी के वक्त क्या करते हैं थोड़ा बारिश जल्दी आ जाता जा है तब सॉयल uh, uh, कैसा हो जाता है यूमिड मतलब थोड़ा गिल्लापन हो जाते थे तो उस वक्त वो लोग क्या करते थे बाजरा को डालते थे विद इन थोड़े ही समय में सीड्स वगैरह स्प्राउट होते हुए दिखाई देता है विद इन सम डे द बाजरा सीड्स स्प्राउट एंड सीलिंग्स कम्स आउट फ्रॉम द ग्राउंड अलॉन्ग बाजरा दे यूज टू रिमूव दैट बट हैव टू बी रिमूव द वीड्स माई फादर वुड एम्प्लॉय द लेबर तो तो खेती में क्या करते थे दादाजी क्या कर करते कुछ लेबर्स को काम करने के लिए खेती में बुला देते दे यूज टू डू द पेमेंट है ना रोज का रोज पे करते थे जो भी काम के लिए आते थे सो रेन वाटर इज़ वेल सफिशेंट फॉर देम जो बारिश का जो पानी है बरसात का जो पानी है उनके लिए काफ़ी है एग्रीकल्चर करने में है ना टू द रेन वाटर इज वेल्थ सफिशेंट फॉर दैम टू ग्रो द क्रॉप बाजरा ओके okay? सो आफ्टर ए वाइल थोड़े ही समय में हम देखेंगे जब क्रॉप इज टोटली रेडी है ना बाजरा टोटली रेडी हो जाते थे तो क्रॉप इज़ टोटली ग्रोन अप फुल्ली देन दे यूज टू कट है ना दे यूज टू हार्वेस्ट एंड दे केप सेफली इन द गोड है ना है ना दे यूज टू थ्रशिंग क्लीन करते थे क्लीन करके फिर क्या करते थे थ्रशिंग एंड विनोइंग दे डू है ना क्लीन कर कर फिर उस बाद में दे यूज टू कीप इन द गोड सी इन दिस वे दे यूज टू ग्रो द क्रॉप है ना फार्मर डू द हार्ड वर्क ओके यूज टू डू द हार्ड वर्क दैट इज वाई द मदर सेज दैट टेक एस मच फूड यू वॉन्ट है ना खाना उतना ही लो जितना तुम्हें जरूरत है बट डोंट वेस्ट द फूड लाइक दिसर डू द हार्ड वर्क दे पुट टू मच एफर्ट

she said so dear children here we stop this chapter okay later on we we'll chapter next section may continue what do you the meaning what is the meaning of thrashing and we knowing we see the story of some and uh, so you know the food is uh, very important for us and we should not waste okay so we'll give some questions to you do it and send it in the whatsapp